गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एचआईवी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान होने वाला एक ऐसा इन्फेक्शन एचआईवी या जिसको आप बोलते हो एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। मोस्टली तो हम लोग ऐसे ही मानते हैं, बट इसके कुछ और भी कारण होते हैं जिनके द्वारा ये बीमारी है वो फैल सकती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान जो होने वाली प्रॉब्लम क्या है, एच आई वी इन्फेक्शन। ये एच आई वी इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, कैसे होता है, कौन सा ऐसा वायरस है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहले बात करें, एड्स एक अत्यधिक सीवियर इन्फेक्शन है, मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है जो एच आई वी वायरस की वजह से होती है। कौन से वायरस के द्वारा? एच आई वी वायरस के द्वारा होती है। इसको संक्षिप्त में एचआईवी से भी जाना जाता है, ये मैंने बता दिया। एचआईवी कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस। ये आरएनए वायरस है इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा करता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एड्स का पूरा नाम AIDS, इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक बहुत ही सीवियर खतरनाक बीमारी होती है जो किसकी वजह से होती है, एचआईवी की वजह से फैलती है। और ये एक एचआईवी कौन सा वायरस है? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए ग्रुप से बिलोंग करता है एचआईवी, और इसको हम लोग एड्स के नाम से भी जान सकते हैं। और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कैसे फैलता है ये वायरस, जो ये एच आई वी वायरस है वो कैसे फैलता है? अगर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन आएगी, इस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना, पहले जो ये होता है इसको आप बोलते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बोलते हो हम लोग? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर एक पार्टनर को हो, चाहे महिला के पति को हो चाहे आदमी की पत्नी को, अगर पति पत्नी में से किसी एक को ये बीमारी हो तो वो बीमारी दूसरे के अंदर भी फैल सकती है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान फैल सकती है। समझ में आ रहा है? ये उन इंसानों के अंदर ज्यादा होती है जिसके जो पार्टनर होते हैं। भाई एक लेडी के क्या हो, बहुत सारे पार्टनर हो, मतलब वो बहुत सारे मेल पर्सन के साथ में क्या रख रही है, अपने कांटेक्ट रख रही है, या फिर एक आदमी के बहुत सारी फीमेल के साथ में क्या हो, कांटेक्ट हो, तो जो पार्टनर हो तो वो क्या हो, मल्टीपल पार्टनर। मतलब एक महिला के पार्टनर है वो बहुत सारे हैं, या एक फीमेल एक मेल के भी बहुत सारे फीमेल पार्टनर हैं। समझ में आया? एक आदमी के बहुत सारी महिलाओं के साथ संबंध होना, या एक महिला का बहुत सारे आदमियों के साथ संबंध होना, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, ये बीमारी फैल सकती है। दूसरी होता है कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, भाई हम लोग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो अगर आपने एच आई वी वाले पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया तो वो भी वो बीमारी फैला सकता है। समझ में आया आप लोगों को? अगर आपने एच आई वी से संक्रमित पर्सन का खून किसी दूसरे पर्सन को चढ़ा दिया हो जिसको वो बीमारी नहीं थी, तो आपने तो उसको फ्री फोकट का गिफ्ट दे दिया। समझ में आया? तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या होती है, फैल सकती है। पहले तो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किन में ज्यादा फैलती है? अगर मेल में है तो फीमेल में हो जाएगी, फीमेल में है तो मेल में हो जाएगी, या उनमें ज्यादा। प्रोस्टिट्यूशन वाला नाम सुना आप लोगों ने? प्रोस्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? जो भाई मेल पर्सन है जिसके बहुत सारी औरतों के साथ में या महिलाओं के साथ में संबंध हो तो उनको वो प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और वो आदमी फिर अपनी बीवी को भी वो बीमारी दे सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने किसी संक्रमित पर्सन का ब्लड एक नॉर्मल सामान्य आदमी को दे दिया है तो उसको भी आपने क्या कर दी, फ्री फोगट की बीमारी है वो दे दी। तो ये कुछ क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, मतलब कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर
ये जो वायरस है वो क्या होता है, फैल जाता है। समझ में आया आप लोगों को? दूसरा क्या होता है, ये मदर से बच्चे में भी जा सकता है। अगर एक मदर जो HIV से सफर कर रही है, तो जब डिलीवरी हो रही है ना बच्चे की, उस टाइम पे ये बच्चे के अंदर क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। अगर मदर HIV से सफर कर रही हो और जब आपने लेबर प्रोसेस स्टार्ट करी, तो उस लेबर प्रोसेस के दौरान जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हो, या उस लेबर के दौरान बच्चे को कोई चोट वोट आ जाए, तो माँ का ब्लड अगर उस बच्चे के अंदर किसी भी कारण से चला गया हो बाई मिस्टेकली, तो वो उस बच्चे के अंदर फैल सकती है। दूसरा, जन्म के बाद जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उस दूध के द्वारा भी बच्चे को ये HIV है वो ट्रांसफर हो सकता है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जो HIV का वायरस है वो हमारी बॉडी के जो भी द्रव होते हैं, फ्लूड होते हैं, लिक्विड होते हैं, उन्हीं के अंदर मिलता है। चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो सीमन जो मेल पर्सन के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो सीमन निकलता है उसके अंदर हो, एक फीमेल के वेजाइना के जो सिक्रीशन होते हैं उसमें हो, चाहे आंसू निकल रहे हैं, तो मतलब इनमें कुछ में कम होता है, बट ब्लड और सीमन के अंदर ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, ब्लड और सीमन के अंदर। इसीलिए ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो है ही है, और ब्लड के द्वारा भी फैलने वाली चीज है। अच्छा, मान लो आप हॉस्पिटल में गए और आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी को इंजेक्शन लगा रहे हो, और वो इंजेक्शन आप उस पर्सन को लगा रहे हो जिसको HIV है। समझ में आया आप लोगों को? आपने ग्लव्स पहने नहीं है, सीरिंज लगाई आपने, सीरिंज लगा के जैसे इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन में वापस आप क्या करते हो, कैप लगाते हो कि हम उसको डस्टबिन में डाल दें। तो जब आप कैप लगा रहे थे, आपने ग्लव्स नहीं पहना था, और वो जो आगे वाली नीडल सीरिंज थी वो आपकी अंगुली में घुस गई। उस ऑलरेडी उस इंजेक्शन के आगे क्या लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था, बंदा क्या था, HIV का था। आपकी अंगुली में वो जैसे ही प्रिक हुई, चुभी, वो ब्लड आपकी अंगुली में भी चला गया, तो भी ये आपको HIV करवा सकता है। और अब आपको पता चला, भाई इंजेक्शन मेरी अंगुली में घुस गया और इसको तो HIV था, आप तुरंत HIV का टेस्ट करवाने गए। अरे पागलो, तुरंत HIV का टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसको कम से कम 5 से लेके 10 साल का टाइम लगता है, तभी आपका HIV का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब आप टेस्ट करवाने गए, वहां पे नेगेटिव आ गया, आप एकदम खुश कि भाई मेरे को तो HIV फैला ही नहीं है। मूर्खो, इतनी चीज ध्यान में याद रखना नालायको, कि हमेशा जब भी कोई चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, सॉरी ये HIV की चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस HIV का इतना ध्यान रखना कि इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 5 से लेके 10 साल का होता है। मतलब आप अपना टेस्ट जब करवाओगे, 1 महीने बाद भी करवाओगे, तो भी पता नहीं चलेगा। कम से कम उसको धीरे धीरे आपकी सेल को कम करते करते 5 से 10 साल लग जाएंगे, और 5 से 10 साल बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे HIV कैसे हो गया, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी, मेरे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, मेरे तो कोई सेक्सुअल कांटेक्ट भी नहीं थे किसी के साथ में, सब कुछ ठीक था, फिर मुझे HIV कैसे हो गया। बट वो HIV आपने उस टाइम पे जो उस इंसान को इंजेक्शन लगाया था ना, तब मिल गया था वो आपको। ठीक है बेटा जी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो ऐसी कोई मिस्टेक हो तो तुरंत उसका पता आपको नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि ये जो कंडीशन आ रही है कि HIV संक्रमण हो गया, तो उसका आप मैनेजमेंट कैसे करते हो। भाई आप मैनेजमेंट करोगे कैसे उस महिला का मैनेजमेंट करोगे, तो परसों पूर्व उसकी क्या की जाती है, देखभाल की जाती है। उस देखभाल के दौरान आपको क्या देखना है कि उस महिला को जो संक्रमण हुआ है, HIV से ग्रसित है, उसको आप कैसे टैकल करते हो। पहली कंडीशन, प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान ही सभी गर्भवती महिलाओं का HIV इंफेक्शन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कि पहले ट्राइमेस्टर के दौरान ही, मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई कि डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने जब उसकी CBC वगैरह की, तो उसी टाइम पे वो HIV और हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करती है। ये कॉमन है, क्योंकि वो करेंगे ही, महिला के साथ साथ में डॉक्टर ये चाहता है कि भाई कल को ये महिला ही सफर कर रही है, उसका बच्चा भी ना करे और मेरा स्टाफ भी ना करे।
डिलीवरी करवाएगा स्टाफ तो ऑब्वियसली उसमें हो सकती है, तो पहले क्या रख रही है, सेफ्टी रख रही है। तो वहां पे वो पहले क्या करती है, एग्जामिनेशन करके पता लगा लेती है कि इस महिला को HIV है या नहीं है। उसने क्या किया, पहले ट्राइमेस्टर के दौरान जितनी भी गर्भवती महिला है उन सब का उसने क्या किया, सीरोलॉजिकल टेस्ट किया और उससे पता किया कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। यदि महिला HIV इंफेक्शन उपस्थित है तो टॉर्च इन्फेक्शन या अन्य STD की उपस्थिति का भी पता करना है। टॉर्च हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर मान लो उस महिला को क्या हो, HIV इन्फेक्शन हो, तो HIV की वजह से उसके अंदर बाकी दूसरे भी इन्फेक्शन हमें क्या करने हैं, चेक करने हैं कि वो भी उसके अंदर उपस्थित है या नहीं है। तो उसके दौरान हम क्या करेंगे, महिलाओं को अतिरिक्त देखभाल प्रदान करेंगे। HIV से संक्रमित महिला को हम लोग संतुलित आहार, पौष्टिक आहार देंगे, आयरन भी अच्छा देंगे, फॉलिक एसिड देंगे, कैल्शियम टेबलेट देंगे और उनको तनाव रहित का मतलब होता है टेंशन से उनको मुक्त रखना है, उनको टेंशन नहीं देने किसी भी बात की और उनको एकदम से हैप्पी रखना है। समझ में आया कि आप हमेशा खुश रहो, दुखी मत रहना, अच्छा खाना खाना, अच्छा पीना, अच्छा आयरन लेना, फोलिक एसिड लेना, बट दुखी मत होना और एकदम से खेलते कूदते रहना। अरे उछल कूद का मतलब है एकदम से हंस हंस जा, मूड है वो एकदम से क्या हो, हैप्पी मूड हो उसका, किसी चीज की उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम उसको प्रसव पूर्व देखभाल करते हैं। पहले तो क्या करो, आपका पहला काम ही क्या उद्देश्य ही है, पहले तो पता करो कि उस महिला में HIV है या नहीं है। है तो हमें क्या करना है, दूसरे इन्फेक्शन का भी पता करना है जिसमें टॉर्च आता है, तो वो भी पता करो। अगर ये सारा आपने पता कर लिया और आपकी उनको पता चल गया कि उसमें ये भी बीमारियां हैं, उस दौरान HIV की उनको पूरी अच्छी तरीके से देखभाल करनी है। देखभाल में आती है ART, ये ट्रीटमेंट होता है, एंटीवायरल। वायरस को क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करने से खत्म तो नहीं कर पाएंगी वो। आपको पता है HIV हो गया तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो इंसान के मरने के साथ ही खत्म होगी वो। HIV ऐसी बीमारी है जो इंसान के साथ ही खत्म होती है। हाँ ये हो सकता है हम उसकी उम्र को थोड़ा बढ़ा सकते हैं दवाइयों से, खान पीन से, दवाइयों से हम उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं, बट उस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते। समझ में आया आप लोगों को। उसके साथ में उसको कहेंगे अच्छा खाना खाओ, आयरन भी अच्छा लो, फोलिक एसिड भी रहो, दुखी मत रहो, एकदम से खुश रहो, प्रसन्न रहो, ताकि आप पे ये वायरस इतना हावी ना हो। समझ में आया आप लोगों को। ये प्रसव पूर्व हम उस महिला को क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि पहले चेक तो करो उसको वो बीमारी है कि नहीं है, अगर है तो उसको ठीक करने के लिए हम उसको कहते हैं कि आपको ये चीजें करनी है। नेक्स्ट अगर हम वहां पे बात करेंगे कि उस महिला के अंदर जो भी प्रॉब्लम जैसी भी आ रखी है, कि आपने एंटीरिट्रोवायरल भी दे दिया, आयरन के लिए भी एडवाइस कर दी, अच्छा खाना खाने के लिए भी बोल दिया, एक्सरसाइज करने के लिए भी बोल दिया, बहुत सारी चीजों के बारे में आपने उसको बता दिया कि आपको ये सारी चीजें वहां पे करनी है। जब आपने प्रसव से पूर्व देखभाल दे दी तो भाई लेबर के दौरान भी आपको केयर देनी जरूरी है। भाई प्रसव के दौरान तो आपने उसको क्या दे दी, केयर दे दी। अब आपका फर्ज है डिलीवरी भी तो करवानी है, लेडी क्या है प्रेग्नेंट हो गई थी और अब उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो उस दौरान भी आपका फर्ज बनता है कि आप उस महिला को क्या करो, केयर दो। समझ में है आप लोगों को। तो यहाँ पे इस केयर के अंदर अगर पहली बात करेंगे कि प्रसव के दौरान मतलब जब लेबर हो रहा है तो उस HIV वाली महिला को आप क्या क्या केयर दे सकते हो। फिटस के वेजाइनल डिलीवरी के दौरान जनन नाल से निकलते समय HIV के संक्रमण से उस बच्चे में जो फैलने के चांस होते हैं वो सर्वाधिक रहती है। मतलब जब डिलीवरी हो रही है वेजाइना से तो उस वेजाइना के जो संक्रमित पदार्थ होते हैं उनसे उस बच्चे में HIV होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस प्रसव प्रक्रिया का अच्छे से क्या करना है, हमें सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। भाई जब डिलीवरी हो रही है वेजाइना से, हम डिलीवरी करवा रहे हैं, उस टाइम पे जो सिक्रीशन है वो बच्चे को क्या कर सकते हैं, HIV करवा सकते हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक वो वेजाइनल डिलीवरी वहां पे करवानी, ताकि बच्चे के अंदर क्या हो, इन्फेक्शन ना हो। ठीक
सीजेरियन सेक्शन गर्भवती माता से उसके शिशु में एचआईवी संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना को कम कर देता है। मैंने बता दिया आप लोगों को एचआईवी है तो पहली बात तो वैजाइनल डिलीवरी करवाओ ही मत, पर घरवाले जबरदस्ती पीछे पड़े कि वैजाइनल डिलीवरी करवानी, तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। और अगर आपको बच्चे में जरा सा भी संक्रमण नहीं फैलाना है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं घरवालों को कि आपकी जो बहू की बीमारी है वो आपके पोते को या पोती को ना हो, तो आप ऐसे करो ऑपरेशन से बच्चे का जन्म करवा लो। समझ में आया? क्योंकि ऑपरेशन से बच्चे को जन्म करवाएंगे तो उस महिला से उसके बच्चे के अंदर वो बीमारी कम फैलेगी, अतः महिला तथा उसके परिवार वालों से इसके बारे में बात करनी चाहिए। समझ में आया? बता दिया मैंने कि पहले आप क्या करो, अगर देख लो भाई डिलीवरी नॉर्मल तरीके से करवा रहे घर वाले तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सावधानी, ध्यान से आपको क्या करना है, डिलीवरी करवानी है, क्योंकि वो बच्चे में ट्रांसफर करवा देगी। दूसरी, अगर वो नहीं करवा रहे घर वाले, सर्जरी के लिए तैयार हो गए, आपने जब उनको बताया कि जो बहू को बीमारी है वो बच्चे को नहीं होगी अगर आप सर्जरी करवाओगे, तो घर वालों ने कहा ठीक है ऑपरेशन से कर दो, कम से कम बच्चे में तो बीमारी ना हो। तीसरी बात, गर्भवती महिला को सामान्य प्रसव की स्थिति में लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ ही तथा सिजेरियन सेक्शन की स्थिति में ऑपरेशन के लगभग 4 घंटे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, एआरटी दे देते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिडुवुडिन। मतलब जब महिला का लेबर स्टार्ट हुआ उसी दौरान या सर्जरी के 4 घंटे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिडुवुडिन का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, वायरस की एक्टिविटी को कम करती है। समझ में आया? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है तो जो वायरस है उस वायरस के अगेंस्ट काम करेगी ये, तो वो बच्चे में ट्रांसफर होने से उसको बचा सकती है। क्या, या तो लेबर स्टार्ट हो गया उसके साथ ही, या सर्जरी करवानी है, घरवालों ने कह दिया ऑपरेशन कर दो, तो ऑपरेशन के 4 घंटे पहले, प्रसव के तो दौरान और सर्जरी के 4 घंटे पहले जिडुवुडिन देना है। दूसरा, शिशु के सिर पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, बच्चे को एनाटोमी से बचाता है। एनाटोमी का मतलब पता है ना, कोई कट वट वगैरह या चीज वो चोट वगैरह उसको लगने से बचा देता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो स्किन है वो क्या रहेगी, अच्छे तरीके से वहां पे आ जाएगी और ब्रेक, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से एनाटोमी वगैरह नहीं लगाओगे तो ये ब्रेक कर देता है बच्चे की सिर को, जो उसकी सिर की जो स्किन है वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होगी तो आपको पता कट लग गया, कट लगेगा तो माँ का ब्लड उसमें चला जाएगा। समझ में आया? माँ का ब्लड है वो उसके अंदर चला जाएगा और बच्चे में इन्फेक्शन कर देता है। तो जब हम बच्चे के सिर पे इलेक्ट्रोड अटैच करेंगे तो ये एमनियोटोमी से भी बचाएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर त्वचा की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर एचआईवी के ट्रांसमिशन की संभावना को बढ़ा सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को इतनी चीज? अगर आप इलेक्ट्रोड नहीं लगाओगे तो जब बच्चे की डिलीवरी कर रही है तो डिलीवरी के दौरान बच्चे के सिर में क्या आ सकती है, चोट आ सकती है, तो पहले ही क्या कर दो आप लोग, बच्चे के सिर पे इलेक्ट्रोड वगैरह या एमनियोटॉमी कराने से उसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? कट वट आपको नहीं लगाना रे, कुछ भी नहीं लगाना है, कट कट लगा दिया तो बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, तो इन सबसे ज्यादा जरूरी है सर्जरी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे होने वाली है। बट घर वाले भी जिद्दी होते रहे किसी किसी के, नहीं हम तो क्या करवाएंगे, नॉर्मल तरीके से ही बच्चे को डिलीवर करवाएंगे। इतनी चीज पढ़ने के बाद अगर नेक्स्ट हम कंडीशन पढ़ेंगे कि लेबर के दौरान जहां तक संभव हो एपिसोटोमी से भी क्या करना है, हमें बचाना है। एपिसोटोमी बताया था ना मैंने कि मदर के पेरिनियम में कट लगाया जाता है, जिससे क्या होता है स्पेस बढ़ेगा, जगह बढ़ेगी तो बच्चा आराम से बाहर आ जाएगा, तो वो कट भी हमें लगाने से बचना है। ना तो मेम्ब्रेन को रप्चर करना है, ना ही बच्चे के सिर पे कोई इलेक्ट्रोड लगाने हैं, ना ही मदर में कोई कट लगाना है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे क्या हो ब्लड निकले, ब्लड निकलेगा तो बच्चे में ट्रांसफर तो एचआईवी ट्रांसमिशन। समझ में आया? तो वो सारी चीजें हमें क्या करनी है, अवॉइड ही कर देनी है। एपिसिटोमी से भी बचाना चाहिए, क्योंकि एपिसिटोमी के दौरान निकलने वाला रक्त जनन नाल से बच्चे के आसपास जमा होकर इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ा देता है।
इज दैट क्लियर? कि जनन नाल से निकलता जो भी ब्लड, जब आपने कट लगाया ब्लड वहां से निकलेगा भाई, ये तो है नहीं कि वो वहां पे है ही नहीं खून उसके अंदर, भाई कट लगाओगे तो खून तो निकलेगा, वो खून उस बच्चे के चारों तरफ वहां पे क्या होगा, जमा हो जाएगा, और जमा होने के बाद उस बच्चे के अंदर क्या कर सकता है, इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ा देता है। समझ में आया? पहले क्या कंडीशन देखनी है कि बच्चे को क्या है, आपको वहां पे चीज ये तो देखनी है, पहले ये देखो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, और नॉर्मल डिलीवरी से होते समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चे को क्या करवाना है, जन्म दिलवाना है, बहुत ही सावधानी से बच्चे की डिलीवरी करवानी है, या फिर घर वालों से इसके बारे में बात कर लो कि जब आप बच्चे को सर्जरी से पैदा करवाओगे तो माँ की बीमारी बच्चे में नहीं फैलेगी। तीसरी बात, लेबर पेन के स्टार्ट होते ही या सर्जरी करने से पहले ही हमें क्या करना है, जिडुवुडिन का इंजेक्शन देना है। ये क्या करेगा, वायरस की एक्टिविटी को रोक के रखेगा। शिशु के सिर पे कोई भी हमें कटवट नहीं लगने देना है, कोई भी एपिसेटोमी नहीं करनी है, कोई भी मेम्ब्रेन को काटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कटिंग वाला कोई भी काम वहां पे नहीं करना है, अदरवाइज वो बच्चे के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन है वो फैला सकते हैं। समझ में आया? ये क्या हो गया आपका HIV, उसका मैनेजमेंट। भाई पहले क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या करते हैं, लेबर से पहले तो किया जाता है, चेक कर लो उसको HIV तो नहीं है, अगर है तो दवाई तो देनी ही देनी है, उसके साथ में भी उसको अच्छा खाना पीना, अच्छा जो इन्वायरमेंट है मतलब अच्छा वो देना उसको, उसको दुखी नहीं होने देना, उसको बोलो आप हमेशा हंसी खुशी के साथ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम। दूसरा, वो सारी चीजें हो गई, अब उसको क्या हो गया, लेबर पेन स्टार्ट हो गया, डिलीवरी होने वाली है, तो दो चीजें, या तो नॉर्मल तरीके से करवाओ या सर्जरी से करवाओ। नॉर्मल करवाओगे तो आपको हर एक कटवट का ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आया, जिससे उस बच्चे के अंदर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। अगर नेक्स्ट वन हम बात करें, जो बीमारियां उस बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है, सॉरी माँ के अंदर देखने को मिलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV के बाद में, तो वो कौन सी आती है, नेक्स्ट, गोनोरिया। ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, नाइजीरिया गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो इस नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ये संक्रमण निचली जनन नाल मतलब जो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट है वैजाइना के अंदर, कहां पे, वैजाइनल कैनाल के अंदर और सर्वाइकल कैनाल के अंदर ही ज्यादा फैलता है। समझ में आया? सर्विक्स के अंदर और वैजाइना के अंदर इस इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये निचली सर्वाइकल कैनाल मतलब लोअर सर्वाइकल कैनाल के इन्वॉल्व होने से महिला में असामान्य एबनॉर्मल वेजाइनल सिक्रीशंस, मतलब येलो कलर के, एकदम से येलो येलो कलर का एबनॉर्मल वेजाइना से क्या होगा, श्राव होगा, तथा मूत्र मार्ग के समय डिस्यूरिया, मतलब जब वो यूरिन पास आउट कर रही है तो वहां पे उसको यूरिथ्रा में भी बहुत ज्यादा भयंकर जलन और पेन होता है। क्या, जब वो यूरिन पास आउट कर रही है तो वहां उस एरिया पे उसको जलन भी होती है और दर्द भी ज्यादा होता है, बहुत सारी समस्याएं उसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। दोबारा देखना, गोनोरिया एक ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो किसके कारण फैलती है, नाइजीरिया गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा। ये किसका इन्फेक्शन है, वैजाइना और सर्विक्स का इन्फेक्शन है। संक्रमण किसका है, वैजाइना का और सर्विक्स का। जब इसका इन्फेक्शन होगा तो उस वेजाइनल कैनाल से एकदम येलो येलो कलर का गाढ़ा गाढ़ा वहां पे क्या होगा, एक पदार्थ निकलेगा, उसका स्राव होगा और उसमें बहुत ही गंदी गंदी स्मेल आएगी। समझ में आ रहा है? और ऐसे सिम्टम्स उस महिला के अंदर इस इन्फेक्शन या संक्रमण के दौरान देखने को मिल सकते हैं। ये गर्भावस्था पे क्या प्रभाव डालता है, अबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि संक्रमण है तो अबॉर्शन करवा सकता है, समय से पहले ही क्या करवा देगा, बच्चे की डिलीवरी करवा देगा, समय से पहले ही मेम्ब्रेन क्या हो सकती है, रप्चर हो जाएगी। ये क्या हो कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद में भी माँ और बच्चे दोनों के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है, और बच्चे के अंदर भी ये कंडीशन माँ पे फिर क्या कर देती है, आंखों के अंदर इन्फेक्शन वगैरह, मुंह के अंदर इन्फेक्शन, GIT में इन्फेक्शन,
बच्चे के जेनाइटल एरिया, जो भी बच्चे की रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वहां पे भी इन्फेक्शन ये कॉज कर सकते हैं। अबॉर्शन करवा सकता है, डिलीवरी पहले ही करवा सकता है, टाइम से पहले ही वो जो बच्चेदानी के जो चारों तरफ वो मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। माँ को जन्म देने के बाद में, माँ के साथ साथ में उस बच्चे में भी वो क्या कर सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है। जैसे आंखों का इन्फेक्शन, मुंह का इन्फेक्शन, आपके आहार नाल का इन्फेक्शन, उस बच्चे के क्या जो जेनेटल एरिया है वहां का इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है वो ये सारी चीजें वहां पे करवा सकता है। तो HIV के बाद में जो नेक्स्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है, गोनोरिया, इसकी वजह से होती है, नाइजीरिया गोनोरिया की वजह से। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करेंगे क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, समझ में आया, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन ये भी क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो उस महिला के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकती है। अब इस अगर प्रेगनेंसी के अंदर इसकी देखी जाए, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसका कॉजेटिव मतलब जो बैक्टीरिया वो कौन सा होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस। क्लेमाइडिया ये भाई बैक्टीरिया के नाम है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्लेमाइडियल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, क्लेमाइडियल ट्रेकोमैटिस की वजह से। ये भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये भी STD का ही टाइप है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का ही टाइप है। ये क्या क्या क्लिनिकल लक्षण दिखाएगा, वैजाइना से डिस्चार्ज होता है, वहां पे इसको बहुत ज्यादा खुजली होती है, यहाँ पे जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो महिला को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब वो यूरिन पास आउट करते हैं तो भी उसको बहुत दर्द होता है, उसको फीवर भी रहती है, और उसके एब्डोमन में जो क्वाड्रेंट्स होते हैं मतलब उसके राइट साइड के एब्डोमन में बहुत भयंकर दर्द होता है। ये भी STD का एक टाइप है, किसकी वजह से होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस की वजह से। तो जो वो महिला है उस महिला के अंदर जो गर्भावस्था से है उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, वैजाइना से बहुत ही भयंकर वाला सिक्रीशन होता है जो एकदम से गंदी स्मेल के साथ में होता है, बदबूदार, ठीक है, बदबूदार उसकी स्मेल आती है वहां से। उस महिला को बहुत ज्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है उस पर्टिकुलर एरिया पे जहां पे इन्फेक्शन हो रखा है। जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी करेगी अपने पार्टनर के साथ में तो उसको बहुत ज्यादा दर्द फील होगा, जब वो यूरिन पास आउट करती है तो भी उसको दर्द होगा, थोड़ा उसको फीवर भी रहता है, और उसके पेट में दाएं साइड में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो ड्यूरिंग गर्भावस्था के दौरान उस महिला में देखने को मिल सकती हैं। इनको हम लोग एंटीबायोटिक वगैरह देके ही क्या करते हैं, ठीक करते हैं, बट ध्यान ये रखना है जब ये इन्फेक्शन हो तो हमें बच्चे को सावधानी पूर्वक डिलीवर करवाना है, समझ में आया। जब भी ये सारे कोई से भी इन्फेक्शन हो तो बच्चे को सावधानी पूर्वक हमें क्या करवाना है, डिलीवर करवाना है, अदरवाइज माँ तो सफर कर ही रही है, उस बच्चे में भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो हमें बच्चे को हेल्दी रखना है तो उसके लिए सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक प्रसव करवाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, HIV, गोनोरिया, क्लेमाइडियल संक्रमण या इन्फेक्शन, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस वगैरह ऐसे बहुत सारी होती है, तो ये ड्यूरिंग लेबर या गर्भावस्था कॉमन है, ये उनमें हो सकती है ये प्रॉब्लम, समझ में आया। और बट इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, हाइजीन मेंटेन रखनी पड़ती है, वहां के एरिया को, वेजाइनल एरिया को बार बार उसको वॉश करना है, जब भी यूरिन करके आए तो वॉश करो, दिन में 2-3 बार उसको वहां पे क्या करना होता है, वॉश करना होता है, एंटीबायोटिक तो लेनी है, कोई भी ऐसे मतलब गीले कपड़े उसको नहीं पहनने देना है, तो ये सारी चीजें उसको बार बार बताई जाएंगी, और लेबर के दौरान तो डॉक्टर सावधानी वहां पे रखेगा ही रखेगा, समझ में आया आप लोगों को। तो सारी चीजें वहां पे क्या होती है, उसको यही कहा जाता है कि जब तक लेबर ना हो हाइजीन मेंटेन करके रखो, समझ में, हाइजीन का मतलब सारे जानते हो, साफ सफाई रखनी है उस एरिया की, अगर साफ सफाई नहीं रखोगे तो इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाएगा, समझ में आया। तो साफ सफाई वहां पे रखनी ही रखनी है, बट प्रसव जैसे होने वाला हो उस टाइम पे डॉक्टर को सावधानी रखनी है कि कोई भी ऐसी कंडीशन उस बच्चे को संक्रमण नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए जो आपको उचित लगेगा डॉक्टर को वो वहां पे क्या करेगा, अप्लाई करेगा।
इज दैट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। बाकी क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।